वेलकम बैक टू माई चैनल पारुल पाठक विशाखापट्टनम। गाइस देखिए, ये हस्बैंड फ्रेश फ्रेश सब्ज़ी लेके आए हैं। इसको क्या बोलते हैं आप बताना। ये चौराई है, चौलाई का साग बोलते हैं हमारे यहाँ यूपी में, चौरैया बोलते हैं इसको। तो ये चौराई का साग लाए हैं हस्बैंड। ये देखिए कितना फ्रेश है। एक ग्रीन आता है और एक रेड आता है, दो कलर के आते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है पेट के लिए, स्किन के लिए, और ब्लड जो हमारा ब्लड की कमी होती है उसके लिए पूरी करते हैं। साथ में ये दही भी लाए हैं। निकाल दो ज़रा। फ्रेश फ्रेश सब्जियां लेके आए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग बनाऊं, आपको दिखाऊं। छाछ भी लाए हैं थोड़ा सा और सब्जियां भी लाए हैं। तो ये है हमारी भिंडी। तो देखिए कितनी फ्रेश फ्रेश भिंडी है और भिंडियाँ लेके आए हैं। मंडी में सब्ज़ी अच्छी मिल जाती है, थोड़ा रेट भी सही रहता है, नहीं तो सब्ज़ियाँ तो फिलहाल आसमान को छू रही हैं। क्या कहते हैं आप बताना ज़रूर मेरे विचार से। ये देखिए भिंडी है फ्रेश एकदम, और धनिया भी लाए हैं। धनिया पहले भी लाए थे, थोड़ा सा मैंने और मंगा लिया। ये देखिए हरा भरा धनिया है पूरा। ये चौलाई का साग और हरा भरा धनिया, ये भिंडी है। हरे धनिया की चटनी ज़रूर खाना गाइस, बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारे फेस के लिए। और देखिए ये मूली, मुझे मूली बहुत पसंद है। मूली हाजमे के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो मूली का साग बहुत अच्छा बनता है, रसे वाला दाल डाल के, और मूली की भुजिया भी बहुत अच्छी बनती है, तरकारी जो बोलते हैं मूली की। कच्चे आम भी लाए हैं हस्बैंड। तो आज मैंने सोचा सब्जियों का ब्लॉग बनाया जाए। तो ये देखिए नींबू, ये कच्चा आम कितना अच्छा है। करौंदे भी मिल गए थे यहाँ, ककरौंदे मिल गए थे तो ककरौंदे भी लाए हैं, और ये भिंडी भी लाए हैं। मैं अभी दूसरे उसमें बर्तन में खाली करूँगी, बास्केट में। आम, नींबू, नींबू भी खाना चाहिए, कैल्शियम की पूर्ति करता है। भिंडी भी खाना चाहिए, भिंडी थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, थायराइड के लिए यूज़ करें। और हरी मिर्ची ज़रूर यूज़ करें, रेड चिली की जगह हरी मिर्ची यूज़ करेंगे आप तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, और क्योंकि उसमें आयरन होता है। हाँ बेटा, हाँ हाँ, हरी मिर्ची में आयरन बहुत होता है। तो ये सब्जियां हैं, मैं बाकी अभी मैं बास्केट में लगा के रखूँगी। सोचा फटाफट से खाली कर दूँ तो मैं ब्लॉग भी बना लूँ। कैसी लग रही है हरी भरी सब्जियां, ये देखिए। और पास उधर आओ बेटा, आप नंगे हो ना बेटू, तो इधर मत आओ कैमरे में। अभी पार्थ को नहलाई थी, मैं भूल गई थी, हस्बैंड बोले छाछ निकाल के रख लो। ये देखिए हमारे गांव में ऐसे गोल गोल देसी आम बोलते हैं इसको, ये आम मिल कच्चे लाए हैं। कच्चे आम की कड़ी भी बहुत टेस्टी बनती है गाइस, और कच्चे आम की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है हरी मिर्ची के साथ में। कच्ची आमी की हरी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। पार्थ गिर जाओगे बेटा। हरी मिर्ची भी लाए हैं, मैंने मंगाई थी। मैं रेड चिली की जगह हरी मिर्ची ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी ब्लॉग को जो न्यू जुड़े हैं। ये देखिए ये हरी हरी मिर्ची हैं, ये भिंडियाँ निकाल रही हूँ उसमें से। और भिंडी किस रेट चल रही है आप बताइएगा। जगह जगह अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट हैं, क्योंकि देखिए कहाँ की चीज़ें कहाँ जाती हैं, मतलब ट्रक में लोड होके, और उसका भी चार्ज लगता ही है। हम तक जो पहुँचती है उसके रेट अलग और बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी, देखिए हरी हरी मिर्चियाँ, ये हरी मिर्ची है, ये मूली, ये कच्चे आम और नींबू, भिंडी, चौलाई के साग और धनिया। कम सब्जियाँ ही मिलाती हूँ क्योंकि देखो फ्रेश सब्ज़ी खाने में मज़ा भी आता है और सब्ज़ियाँ ख़राब भी ना हो। और ये जो हरी मिर्ची, इसके डंठल तोड़ के रखना चाहिए, स्टोर करके तो काफ़ी लंबे समय तक हरी मिर्ची हमारी चलती है। तो ये थी थोड़ी सब्ज़ी, बाकी सब्ज़ियाँ रखी भी हैं, गोभी और पत्ता गोभी। ये देखिए हमारा पत्ता गोभी है रखा हुआ। तो ये थी सब्ज़ी का ब्लॉग, कैसा लगा बताना। और ये फ्रेश फ्रेश हमारी चौलाई का साग है,
चौलाई बहुत अच्छी लग रही है। हरा धनिया की चटनी भी बनाऊंगी मैं कच्ची आमी डाल के। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। न्यू जुड़े हैं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहे। फिर मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।